बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है बच्चों, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको 1.1 से लेकर के बच्चों 2.1 तक के वीडियोस पड़े हुए हैं, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज। आप टोटली पढ़ोगे बच्चों वो एडिशंस की डिफरेंट रूल्स पढ़ोगे। अगर अब तक आपको एडिशन नहीं आया है बच्चों, तो अगर आप इस वीडियोज़ को देख लेते हो तो कंप्लीट आपको एडेन यानी एडिशन आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अरे वी हैव लर्न द रूल्स ऑफ द एडिशन इन क्लास थर्ड, लेट अस सी नाउ द रूल्स अगेन। मतलब कह रहे बच्चों, जो आपने क्लास थर्ड में, अगर आपने बच्चों ये जो है मैथ्स आज का थर्ड क्लासेस की मैथ्स आपने सॉल्व नहीं किया है बच्चों, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है उनका भी। आप उनमें प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हो, और अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो इसमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ एडेंस। सबसे पहला हमें क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ एडेंस को समझना है कि ऑर्डर ऑफ एडेंस है क्या। तो देखो सबसे पहला बात कह रहा है, द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंस डज नॉट चेंज द सम। मतलब ये हुआ कि अगर आप एडेंस के ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो जो सम आएगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जैसे बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया 5 और ले लिया हमने 3, तो 5 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो वे हो गया। अब हम देखो एडेंस को चेंज करते 3 और 5 लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, फिर भी 8 होगा। तो वही ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जब आप एडेंस को चेंज कर दोगे ना, तो आपका जो सम आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो आपको ये एग्जांपल से भी दिखाया होगा। आप यहाँ देख लीजिए, 65,628 प्लस 21,314। अब देखो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले ये लिखा तो पहले इसमें यहाँ लिख दिया। अब इनको जब ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद 86,942 आया, और इनको भी ऐड किया तो वही 86,942 आया। मतलब बहुत तसीम, मतलब ऑर्डर चेंज हुआ ना, लेकिन जो फाइनली सम आया वो चेंज नहीं हुआ। वही कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडेंस। क्लियर, समझ में आ गया, गुड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले तरफ। कह रहे एडिंग बाय ग्रुप्स। ग्रुप्स की एडिंग कैसे करेंगे आप, तो देखो बच्चों इसमें क्या कहता है, द सम ऑफ 3 या मोर नंबर डज नॉट चेंज व्हेन देयर ग्रुप्स आर इन चेंज। मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर लेते हैं तो उसका ग्रुप चेंज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनके सम में। कैसे, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। देख लो हमने 5 ले लिया बच्चों, 3 ले लिया हमने और 2 ले लिया। अब इसको ऐड करेंगे क्या, 5 to 8 और ये हो गया 10। अब हमने क्या किया, पहले 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 2 ले लिया। अब बताओ क्या है रिजल्ट, 10। तो देखो ग्रुप यानी डिजिट तो चेंज हो गया, डिजिट चेंज हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो रिजल्ट आया वो क्या आया, सेम आया। तो आई होप ये एडिंग ऑफ द ग्रुपिंग नंबर आपको अच्छे से समझ आ गया है ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला। आपको समझाया गया है, लेट अस सॉल्व 33,752 प्लस 4,796 प्लस 45। अब यहाँ पे क्या किया गया है, आपको 3 नंबर लिया है, इन दोनों को पहले एक साथ ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर क्या किया है देखो बच्चों कि इस तीनों में से क्या किया उन्होंने, इन दोनों को एक साथ रखा है। मतलब देखो 4,796 और 45 को एक साथ रखा है और फिर इनको रखा है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड में इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट आया, फिर इन दोनों के बाद जो है बच्चों ये जो नंबर्स लिया है 4,796 में क्या किया, 45 ऐड किया तो ये नंबर आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए 33,000 प्लस ये क्या है बच्चों 33 प्लस 45 से, तो इनको इन्होंने ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। फिर उनके बाद क्या लिया बच्चों, 4,841 लिया, उसके बाद जो है 33,752 लिया। अब जब इनको ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। ऑब्वियसली मतलब इन सभी को अगर आप ऐड करके देखा और आपने देखा समझा
कि क्या 33,752 प्लस 4,796 प्लस 45, अब इनको रिग्रुप कर दिया। रिग्रुप क्या किया वो देखिए यहाँ पे कि 33,000 रखा, फिर अब इन दोनों को ऐड किया था, रिजल्ट क्या आया, सेम आया 38,593 आया। मतलब अगर आप ग्रुप में चेंज करेंगे, ठीक है, और डिजिट की चेंज नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, ग्रुप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है। एडिंग जीरो टू अ नंबर, मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, इफ वी एड, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है, इफ वी एड जीरो टू एनी नंबर द आंसर इज द नंबर इट्सेल्फ। मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करोगे तो वो नंबर ही होगा, इट्सेल्फ ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो देवी रखा है 57,469 में, अगर जीरो ऐड करोगे तो ही आएगा, या जीरो मार्क कर लो, जीरो प्लस 25,256,314, इसमें अगर आप क्या करेंगे जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो नंबर ही आएगा। क्लियर हुआ ना? तो इस तरीके से कह रहा है, आप ये माइंड में सेट कर लीजिए किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा आप नंबर लेंगे वो रिजल्ट वैसा ही आएगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप अगला देखो, फोर्थ में कह रहा है एडिंग वन टू अ नंबर, यानी किसी भी नंबर में अगर आप वन ऐड करते हो तो क्या आता है, देखिए कह रहे व्हेन वी ऐड वन अ नंबर वी गेट द जस्ट आफ्टर, तो उनको आप बोल सकते हो जस्ट आफ्टर बोल सकते हो, या फिर आप उनको सक्सेसर भी बोल सकते हो, दोनों बात बोल सकते हो। सक्सेसर में भी आपने यही पढ़ा है, जो भी नंबर है उसमें वन ऐड कर दो तो सक्सेसर हो जाएगा, या जस्ट आफ्टर बोल दोगे या नेक्स्ट नंबर बोल दोगे आप बच्चों, ये सब बात आप बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, आप उस हिसाब से आंसर देंगे उनका। चलिए एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पे देखो 213 है, इसमें वन ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 9,632 है, वन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 47,000 इतना है तो इसको वन करेंगे तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो क्लियर आ गया ना अच्छे से समझ में? ठीक है, अब देखिए कह रहा है फिफ्थ में एडिंग 10 टू अ नंबर, किसी भी नंबर में अगर आप 10 ऐड करते हो तो क्या है, व्हेन वी ऐड 10 द नंबर द डिजिट ऑफ द 10 प्लेस इंक्रीज बाय 1, तो जो उनके 10 प्लेस पे जो नंबर होता है ना वो 1 इंक्रीज कर जाता है। कैसे, आप यहां पे देखिए 33,256 और 10 हमने ऐड किया तो बाकी चीज तो सेम रहा, ये जो 10 प्लेस पे 5 है वो 6 बन गया, यहाँ पे देखिए तो वही कह रहा है कि जो 10 प्लेसेस पे है ना वो 1 इंक्रीज कर जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ पे 7 हो गया तो 10 इंक्रीज हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम बात है बच्चों, एडिंग 100 टू अ नंबर, किसी भी नंबर में अगर आप 100 ऐड करेंगे ना तो उसका जो 100 प्लेसेस है ना उसमें 1 इंक्रीज कर जाएगा 10 के तरह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पे बच्चों अगर हम बात कर लें तो देखो 1,45,600, तो यहाँ पे जो 600 है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 600 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, तो देखो 1,45,732 आ गया, समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 36,521 है तो यहाँ पे 100 को अगर यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 6 बन जाएगा, तो ये 6 आ गया। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 100 ऐड करेंगे तो क्या होगा, बात अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे 1000 टू अ नंबर, यानी किसी नंबर में अगर 1000 ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, जो आपने 10 का पढ़ा था वही 100 का पढ़ा वही 1000 का भी होएगा, सिर्फ 1000 प्लेस पे 1 की चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए 56,000 कह रहे 900 इतना, तो जहाँ 56 है 6 जो है ये 7 बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे 7 बन गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 है तो ये 5 बन जाएगा, वही हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज में आपको क्या पूछ रहा है इनको करते हैं अच्छे से सॉल्व।
देखो एट द फॉलोइंग नंबर एंड कंपेयर द सम। अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान से समझिए और अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है, इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक, फिर इन दोनों को आप ऐड कीजिए, अब फिर आप देखिए कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ आप घुमा देंगे। आपने तीन दो सिंबल पढ़ रखा है, एक ऐसे वाला पढ़ रखा होगा ग्रेटर देन और ये लेस देन वाला पढ़ रखा होगा, तो ये दोनों सिंबल और एक आपको ये तीसरी सिंबल है इक्वल का, ये तीनों सिंबल इसमें फिल करना है अच्छे से, राइट, समझ में आ गया ना? ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बच्चों ऑलरेडी कर रखा है, आपको पता ही है हमेशा की तरह, जिससे कि टाइम बच जाता है और हम बातें को ज़्यादा आपको समझा पाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन में आप इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को भी ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल ही आएगा। क्यों आएगा आप वो देख सकते हैं, रीजन देखो यहाँ पे कह रहा है बच्चों 324,569 और यहाँ पे 47,856। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल दे दिया, वही डिजिट ले लिया है, कोई चेंज नहीं आया। जब इनके डिजिट चेंज नहीं है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तो वैल्यू तो चेंज होगा ही नहीं ना, इसीलिए क्या होगा इक्वल हो जाएगा। दूसरा में बच्चों सेम वही बात है, वैल्यू वही है, सिर्फ जो उसकी ग्रुप है वो चेंज कर दिया, जो मैंने आपको सेकेंड चीज में बताया था, ग्रुप चेंज कर देंगे तो उसका जो सम है बच्चों उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहां भी इक्वल आएगा और यहां भी इक्वल आएगा। बात समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं एड एंड ऑब्जर्व द आंसर्स। अच्छा अब कह रहे आप इनको ऐड करो और आंसर को ऑब्जर्व करो, तो बच्चों आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको आप ही ऐड कर दीजिए, या तीनों को एक साथ लिख लीजिए आप और फिर ऐड कीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे फिल कर देना है ना, तीनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप वही बात यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ये ऐड कर दीजिए, फिर ये रिजल्ट आएगा। या इजी तरीका है तो तीनों को एक साथ आप कॉलम मेथड में लिख लीजिए और ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम बच्चों थर्ड का भी इसी तरीके से करना है, ये ऐड करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा है ना। चलिए इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको आप इससे ऐड कर दीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। बी में भी बच्चों सेम वही पैटर्न है, आप इन तीनों को क्या करें ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे भी इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, इन तीनों को इनको 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 ऐड कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, टाइम कम बचाने के लिए बच्चों है ना, इसको इसको ऐड कीजिए फिर इसको ऐड कर दीजिए, वही रिजल्ट आ जाएगा सेम है। अब देखो बच्चों आपको क्या कह रहा है, फिलअप पे क्वेश्चन दे दिया आपको, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगाना है माइंड और करना है माइंड से सॉल्व। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 27,165 प्लस जीरो प्लस दैट। अब यहाँ पे देखो एक चीज गायब है, ये दे दिया आपको, ये दे दिया, यहाँ पे जीरो गायब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लिख देना होगा, लिख दिया मैंने ऑलरेडी पहले। अब दूसरा में देखो 3,381 है, यहाँ पे 76,800 इतना है, फॉर 4,123। अब यहाँ पे देखो ये नंबर आपको दिया है, ये नंबर भी दिया है और एक नंबर गायब है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो वही है बच्चों फिलअप्स में क्या है कि एक नंबर आपको गायब है और इस साइड आपको LHS में दिया है, RHS में फिल करना है, तो आप यहाँ से अच्छे से इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर इनको फिल करो, इनको ऑब्जर्व करो, इसको फिल करो अच्छे से, इनको ऑब्जर्व करो है ना। इस साइड आप तीनों दे रखे तो आप ऑब्जर्व करो कि इन दो दे रखे तो तीसरी कौन सी नंबर नहीं दिया, उसको फिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो फोर्थ में कह रहा है एड द फॉलोइंग्स। अब इसमें ऐड करना है, देखो 25,000 में वन ऐड करोगे तो क्या, 25,631 में वन ऐड करोगे तो क्या 32 हो जाएगा है ना। इसे 100 ऐड करना मैंने बताया था, सिर्फ 100 प्लेसेस पे चेंज हो जाएगा, तो 5 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 4 की जगह पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1000 है तो 1000 की जगह पे क्या होगा चेंज हो जाएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे इसी तरीके से देखिए बच्चों, 10 ऐड करेंगे तो सिर्फ 10 प्लेसेस पे चेंज हो जाएगा, 100 अगर ऐड कर रहे तो 100 प्लेस पे चेंज आ जाएगा, 1000 है तो 1000 प्लेसेस पे चेंज हो जाएगा है ना, और अगर यहाँ पे जीरो है तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो आई होप बहुत बेसिक सा चैप्टर था बच्चों ये 2.2 एक्सरसाइज है ना,
और बहुत इजी था ये, आपने ऑलरेडी क्लास सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में ही आपने पढ़ चुके होंगे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते होंगे। फिर भी आपका ये सिलेबस में था इसलिए मैंने करवाया है बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।